एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी? आई होप यू गाइज आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। आप सब लोग गाइज यहाँ पर बहुत अच्छे हो गाइज और मजे करेंगे। स्वागत है आप सब लोगों का एक ही वर्ल्ड के हमारे नए और फ्रेश वीडियो में। फिलहाल अभी का जो टाइम हो रहा है, अभी जो है वक्त हो रहा है, इस टाइम जो है 4 बज रहे हैं। इस टाइम मैं जो अपनी छत पे हूँ, लेट मी शो यू। हम चलते हैं भाई सबसे ऊपर मैं ले जाकर चलता हूँ। फिलहाल बिल्ली के बच्चे भी हैं अपने, ठीक है। और ऊपर से नज़ारा काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। आज ज़्यादा तेज़ भी धूप नहीं थी, नॉर्मल सी है, ठीक है ना। और बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि आरिश भाई आप प्लीज़ डेली व्लॉग्स जो है यार यहाँ पर अपलोड करो। हाँ मैं कोशिश कर रहा हूँ यार डेली व्लॉग्स यहाँ पर अपलोड करने की, बट दिक्कत तो वही है ना कि डेली व्लॉग्स तुम देख लो, ठीक है, तुम डेली व्लॉग्स देख रहे हो मेरे। फिर अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आती है, कैमरा से एडिटिंग के अंदर बहुत ज़्यादा दिक्कत है। अभी यहाँ पर छत की हालत देख लो आप कैसी हो रखी है, ठीक है ना। और अभी शाम के 4 बज रहे हैं। जो ये एसी वाला पाइप है गाइस, यहाँ पर आप पीछे देख पा रहे हो, ठीक है ना। मैं अपनी छत के ऊपर हूँ, वहाँ पर देखो उधर सूरज है, दिख रहा है आपको। और आज का जो वर्क है बेसिकली मेरे गेमिंग रूम का, कल आपने देखा जो मैंने पीवीसी पैनल्स वगैरह लगवाए थे, बहुत ज़्यादा भयंकर लग रहे हैं दिल से भाई, बहुत अच्छे लगे। आप सभी लोगों को कैसे लगे हैं वो तो देखो आपकी राय है, आपका क्या कहना है इस चीज़ के बारे में आप प्लीज़ एक बार कॉमेंट करके मेरे को ज़रूर से बताइएगा कि आपको वो सब पीवीसी पैनल्स वगैरह जो भी थे ना सब कुछ दोस्तों कैसा लगा है, ठीक है। और भाई मैं तो उम्मीद करता हूँ कि यार दोस्तों आपको अच्छा ही लगा होगा यार, वाकई में अच्छा लगा होगा। लगा है तो लाइक कर देना यार, ठीक है। हवा बहुत तेज़ चल रही है भाई। जब बारिश वगैरह होती है ना तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आज भाई आपकी छत से पहाड़ वगैरह दिखते हैं, तो उधर दिखते हैं पहाड़, बट आज बारिश नहीं है। जब बारिश होती है तो मौसम क्लियर हो जाता है और जो फॉग वगैरह होती है तो उसको बिल्कुल वॉश कर देती है जो रेन होती है, तो उसके बाद ना मतलब दूर तक का व्यू जो है क्लियर हो जाता है। बस थोड़ी सी यही सिचुएशंस होती हैं कि इन्हीं की वजह से तुम्हें बहुत दूर तक का जो है क्लियर नज़र आ जाता है, ठीक है ना। फिलहाल अभी छत की भी यार सफाई करवानी है, लेके आऊँगा किसी को छत की सफाई करने के लिए, जो कि कूड़ा वूड़ा भर के मतलब हमारा जो प्लॉट है वहाँ पर जो है डालना है, ठीक है ना। क्योंकि मैं जब जो बाइक्स वगैरह होने वाली है, पापा वाली शाइन है, मेरे वाली KTM है, बुलेट है, ठीक है। और मैं जो कार लूँगा, बहुत लोगों को पता होगा अभी मार्च के अंदर बेसिकली मैं जो है एक्सेस लेने वाला हूँ, 125 जो एक्सेस है, ठीक है ना। और फिर उसके बाद एक कार लेनी है। अब कार का सीन ऐसा है कि बहुत सारे लोगों ने मुझे बहुत सारी कार सजेस्ट की थी कि आरिश भाई ये नहीं वो नहीं है, और तो यार पता नहीं धूप के अंदर ना बहुत ज़्यादा रोशनी लगती है, इसलिए मेरी आँखें ना थोड़ी छोटी छोटी सी हो जाती है। प्लीज़ यार इन चीज़ों को तो इग्नोर ही करना, ठीक है। तो अब बहुत सारे लोगों ने बोला था ये नहीं वो वेन्यू ये वो, बट भाई मुझे ना क्रेटा ज़्यादा अच्छी लगती है, तो कोई मेरे को 2017 या 2018 मॉडल क्रेटा मिल जाए तो वो ले लूँगा मैं, ठीक है। बेसिकली DL नंबर लेना चाह रहा हूँ क्योंकि वहाँ पर गाड़ियाँ ना काफ़ी ज़्यादा बजट के अंदर सही मिल जाती है। ऐसी गाड़ी मेरे को आराम से 9 या 10 लाख रुपए की मिल जाएगी अच्छी कंडीशन में और ज़्यादा ना चली हुई हो, ठीक है ना। क्रेटा अच्छी कार है क्योंकि मैंने पहले भी होंडा की कार यूज़ की है i10, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं आई। और मैं मारुति सुजुकी के साथ नहीं जाना चाहता क्योंकि वो एकदम चीप क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाते हैं। हाँ भले ही एवरेज बहुत ज़्यादा है उनकी गाड़ियों की, लो मेंटेनेंस होती है, बट भाई नहीं यार थोड़ी सी क्लास भी होनी चाहिए, थोड़ी सी क्वालिटी भी होनी चाहिए, ठीक है ना। अब फिलहाल तो अभी मम्मी पापा तो नहीं है भाई घर पे, वो जो है गए हुए हैं, गेट आने वाले हैं जो कि ऊपर का वो वाला गेट लगेगा, ठीक है, और मेरे रूम वाला गेट लगेगा, दो दरवाजे लगेंगे ना, दो दरवाजे बन के आने वाले भैया आ रही होंगे, ठीक है। अजान हो रही है अभी, चलो एक बार अजान होने दो फिर उसके बाद मैं आगे का शॉट जो है कंटिन्यू करता हूँ। योगा इसमें छत पे से नीचे आ गया, बेसिकली अजान हो रही थी तो उस टाइम में वो जो करना ठीक नहीं था, ठीक है ना, ऐसे ब्लॉग वगैरह शूट करना। तो फिलहाल
अभी जो है मैंने कहा था जो कारपेंटर वाले भैया हैं वो ये बना रहे हैं। अब ये क्या चीज़ है मैं आपको बता दूँ दोस्तों, जैसे कि मैं आपको बेसिकली बता ही देता हूँ, ये जो पूरी की पूरी एक कवर्ड है जो कि पूरी की पूरी वुडन की यहाँ पर बनने वाली है और वो फिट होगी इस जगह पे। ये देख रहे हो अभी जो जगह है यहाँ पे, और मैं आपको दिखाऊँ एक बार अंदर चल के। चलते हैं अंदर, और गाइज अंदर आने के बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पर जो मेरी मम्मी की जब शादी हुई थी, जी हाँ, तो उनको मेरी जो नानी ने उनको शादी में जो है एक अलमारी यानी कि एक कबर्ड जो है गिफ्ट की थी, जो कि पहले इस टाइप की कबर्ड चलती थी, ठीक है ना। ये है अब कुछ निशानी समझ लो कि अपनी माँ की निशानी रखना चाहती हैं यानी कि मेरी नानी की, ठीक है ना। तो इसके ऊपर पेंट वगैरह करा के इसको अच्छे से करवा कर ऐसे रखी हुई, तो खैर थोड़ी अजीब सी लगती है। तो ये वाली जो कबर्ड है उस जो नए ज़माने की मॉडर्न कबर्ड है उसके अंदर फिट हो जाएगी, तो ये रखी हुई बुरी भी लगेगी और ये बिल्कुल कवर अप हो जाएगी, सामने से वाली वो आपको कबर्ड दिखेगी, ठीक है ना, और ये वाली जो कबर्ड है उसके अंदर आ जाएगी। तो होता है यार, किसी किसी को शौक होता है कि अपने माँ बाप की चीज़ों को संभाल कर रखना, खैर अच्छी बात भी, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है ना दोस्तों। क्या आपके घर में भी आपकी मम्मी को या फिर आपकी दादी की आपके नानी की कुछ ऐसी अलमारी रखी है, तो एक बार कमेंट करके बताना, ठीक है। खैर सही बात है यार, होता है बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें तो होती रहती है, ठीक है। और आपको मेरे पैनल्स कैसे लगे जो कि मैंने वुडन फिनिश में दोस्तों यहाँ पर करवाए थे, जो कि काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। और मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, ठीक है ना। अभी ये देख रहे हो आप मेरी विंडोज़ के ऊपर यहाँ पर जो पेंट हो चुका है, अब ये जो है येलो येलो नहीं होने वाला है, ठीक है ना। इसके ऊपर ये येलो येलो इसलिए हुआ है, ये जो पेंट है इसके ऊपर जो पॉलिश होने वाली है, वुडन जैसी, तो पहले ये वाला पेंट होता है उसके ऊपर यहाँ पर पॉलिश होती है, ठीक है दोस्तों। अब यही वाली सेम जो पॉलिश है मैं आपको देखो ये छत के अंदर भी हो रहा है, वो देख रहे हो वो बीच वाले में जहाँ जहाँ ये हो रहा है ना, यहाँ पर ये पूरा लकड़ी जैसा हो जाएगा, ठीक है। तो ये होना स्टार्ट हो गया, देख रहे हो ये होना स्टार्ट हो गया है, तो ये पूरा लकड़ी जैसा हो जाएगा, इसके ऊपर जो पॉलिश होने वाली है, ठीक है ना। और अभी तो फिलहाल ये लकड़ी वाला जो है काम जो चल रहा है, ये वाले भैया जो है वही वुडन वाला जो काम कर रहे हैं, बाहर की तरफ से भी अंदर की तरफ से दोनों तरफ से हो चुका है, ठीक है ना। ये वुडन फिनिश जो है इसी के ऊपर होगी। ये वाली जो आप विंडो देख रहे हो तो लोहे की है, वो जो चौखट है वो भी लोहे की है, ये दोनों चीज़ें जो लकड़ी की थी तो उनके ऊपर जो हुआ है मेरे ज़्यादा सही लग रहा है, ठीक है ना। अभी मैं जो ये जाली वगैरह देख रहे हो, ये जो जाली वगैरह है इनको वाइट कलर की करवाऊंगा, तो वाइट कलर की बहुत ज़्यादा सही लगेगी। और इनके ऊपर कौन सी करोगे भैया, इन वाली के ऊपर लोहे पे, यही वाली होगी, अच्छा तो इनके ऊपर भी यार यही वाली करेंगे, ठीक है ना। और इसी से मतलब ये जो भी थोड़ा लकड़ी जैसी फिनिश हो जाएगी इसकी, ठीक है ना। बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि आयुष भाई आप ना एल शेप की जो है टेबल बनवाओ यहाँ पर, एल लेकर चलो यार, एल ना इतना अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है ना। मैं जो है स्ट्रेट बनवाऊंगा, स्ट्रेट ज़्यादा अच्छी लगेगी। और यहाँ पर थोड़े से ये जो जगह है ना यहाँ पर थोड़े से हमें अपने एक्शन फिगर्स रखने के लिए, कुछ कस्टम टॉयज कार रखने के लिए, ठीक है ना, मेरा कैमरा वगैरह रखने के लिए, बहुत बड़ी जगह है दोस्तों, लिटरली बहुत बड़ी जगह है। तो लगता है मुझे मम्मी आ गई है, चलते हैं नीचे और आपको दरवाजे वगैरह दिखाता हूँ एक बार। फिलहाल तो अभी जो इसके बैक साइड जो लगना है वो आ गया है, इस कबर्ड के पीछे लगेगा बैक साइड जो भी लगने वाला है, ठीक है ना। मैं आपको एक बार गेट्स वगैरह जो है दिखा देता, सब एवरीबॉडी। तो यहाँ पर आपने जो गेट वगैरह देखे जो कि ऊपर अभी यहाँ पर लग रहे हैं, ठीक है ना, अभी शोर बहुत ही ज़्यादा हो रहा है घर के अंदर। और जो स्वीटी है ना इसको ना थोड़ी सी मम्मी ना बांध के रखती हैं, अब ये भाई बहुत ज़्यादा बाहर जाने लग गई, बहुत ज़्यादा, इसके मासूमियत पे मत जाना। ओए स्वीटी, स्वीटो इधर आओ, इधर तो आ जा,
असल में बात ऐसी है, ये ना बहुत ज़्यादा बाहर जाने लग गई है, तो इसको थोड़ा सा कंट्रोल में करने के लिए मम्मी ने इसके पैरों में जो है, सॉरी गले में जो है, एक रस्सी टाइप की बांध दी है, ठीक है, तो बाहर नहीं जा पाती, ठीक है। दरवाजे आपको कैसे लग रहे हैं, उनके अंदर दरवाज़ों के बीच में एक तो जाली वाला है जो कि बाहर वाली साइड लगेगा, फिर उसके पीछे एक शीशे वाला है जो वो कर रहे थे, फिर वैसे ही सेम मेरे कमरे का मिरर वाला है, तो उन दोनों में शीशे लगे हुए होंगे, उनके ऊपर पॉलिश वगैरह हो जाएगी, पेंट वगैरह हो जाएंगे। तो अब तो यार बहुत ज़्यादा हम नज़दीक हैं अपने गेमिंग रूम के, जी हाँ गाइज बहुत ज़्यादा नज़दीक हैं, अब तो अपना गेमिंग रूम बिल्कुल भी रेडी होने वाला है यार, और फीलिंग काफ़ी अच्छी है यार। खैर बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें तो होती ही रहती है यार। कहाँ हमने स्टार्ट किया था, एक तरीके से जब बन रहा था यहाँ पर डेली जो काम होता था, छत बन रही थी, ये वो हो रहा था, और अब देखो काम कितनी जल्दी कितने आगे तक पहुँच गया है, पेंट वगैरह पहुँच गया है, पुट्टी वगैरह सब कंप्लीट होता जा रहा है दोस्तों। तो धीरे धीरे यार हर चीज़ कंप्लीट होती है दोस्तों, एक साथ तो आपको पता होना चाहिए यार कुछ भी नहीं होता है, ठीक है ना, धीरे धीरे हर चीज़ यहाँ पर होती है। और अगर आपको इसी तरीके के हमारे व्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो भाई सब्सक्राइब करो चैनल को भी, ठीक है ना। अभी फ़िलहाल नीचे जो है काम चल रहा है, लेके चलता हूँ, नहीं ऊपर चल रहा है बेसिकली, जी हाँ, और नीचे जो है जुनैद भाई काम कर रहे हैं, ठीक है, वो बैठे हुए हैं अभी, ये जो है लकड़ी वकड़ी के पल्ले वगैरह जो भी भैया यहाँ पर बना रहे हैं, कट पीस कर रहे हैं, ठीक है ना, तो वो भी आपको पता चलेगा कि जुनैद भाई ने क्या बनाई है, अलमारी बनाई है फ़िलहाल अभी ऊपर की, ठीक है ना, तो अलमारी जैसे मैंने आपको दिखाया था उसी तरीके का है, और फ़िलहाल अभी पीसीस वगैरह जोड़े जा रहे हैं, और ये वाली जो किचन है ना, ये पूरी की पूरी ये भी जुनैद भाई ने बना रखी है। लेट मी शो यू नीचे की जो किचन है वो भी जुनैद भाई ने बना रखी है भाई पूरी की पूरी, ठीक है ना। कह रहे पिलर्स वगैरह भी बंद है, तो जब होंगे तो दिखाएंगे भी आपको, ठीक है ना। और राइट, तो यहाँ पर एक ब्लू लाइट जलती है, ओके ओ माय गॉड, ये पिंक है, इसके अंदर पूरी ज़्यादा पिंक लगा रखी है, सही लगती है पिंक, ठीक है। अभी एक काम कर रहे हैं, मैं बैठता हूँ थोड़ी देर इनके पास, और जो मेरे गेट वगैरह आपको दिखाया वो आपको कैसे लगे हैं, ठीक है गाइज। फिलहाल इस व्लॉग में फ़िलहाल अब तक तो इतना ही है, अभी मैं जाने वाला हूँ अपने एक फ्रेंड के पास जो कि वॉलपेपर डिज़ाइन करेगा, अब वो बनने के बाद वॉलपेपर कैसा होने वाला है, कैसा नहीं होने वाला, सब कुछ क्या सीन है क्या नहीं, वो आपको तभी उस व्लॉग में जो है देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। फिलहाल अगर अब तक की वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कर देना, एंड ऑब्वियसली यार शेयर जरूर कर देना अपने दोस्तों के साथ, अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो आपने हमारा व्लॉग आज तक कहीं देखा, आज का फिलहाल यही अपडेट था, लाइक ज़रूर करना, एंड ऑब्वियसली शेयर जरूर कर देना दोस्तों के साथ, एक ही वर्ल्ड को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन जरूर से दबा देना, ठीक है गाइस। तो अगर मिलता हूँ नेक्स्ट और ब्रांड न्यू ब्लॉग के अंदर, तो या तब तक के लिए बाय।